और अब खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के किसान एक बार फिर से मुश्किल में हैं। पहले से ही सूखे की मार झेल रहे किसानों को उम्मीद थी कि मॉनसून आने पर वो नई फसल बो पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। किसानों का आरोप है कि इसकी वजह है राज्य सरकार द्वारा उन्हें घटिया बीज मुहैया कराना। मानसून की बारिश के साथ ही महाराष्ट्र के सोलापुर में किसान नई उम्मीदों के साथ खेतों के कामों में जुट गए, लेकिन जल्द ही उनकी आशाओं पर ग्रहण के बादल छा गए हैं। किसान फसल की बुआई कर पाएंगे या नहीं, इस पर संकट मंडरा रहा है। असल में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें घटिया और खराब बीज सप्लाई किया है। सोलापुर के किसानों की शिकायत है कि उन्हें मेरे उड़द के बीज में कीड़े ही कीड़े हैं। बीजोत्पादकाकडून ज्या कंपनी म्हणजे जिथून आलेला आहे, ज्या बीज प्रक्रिया केंद्रातून आलेला आहे, तिथं काय आढळलं, माल प्रॅक्टिस झाली का, याच्याविषयी शोध घ्यावा लागेल, तरच हे सत्य येऊ शकेल। जाणून बुजून महामंडळाला बदनाम करण्याचा कोणी प्रयत्न करत असेल किंवा त्याच्यामध्ये मिक्सिंग करत असेल का, काही माल प्रॅक्टिसेस आढळून आल्या तर आपण त्या शेतकऱ्यावर कारवाई करतो। पहिले अकाल से जूझे और अब घटिया बीज, किसानों पर दोहरी मार पड़ी। किसानों ने महाबीज अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मीडिया में बात फैलने के बाद ही सरकारी बाबुओं ने असलियत कबूली। जे निष्कृष्ट बियाणं असतं किंवा त्याला बोगस बियाणे जे म्हणतो आपण, ते बाजारातून अप्रमाणित बियाणे आणि बीज प्रणाली यंत्रणेच्या माध्यमातून तयार न झालेले बियाणे त्याला आपण अप्रमाणित म्हणतो आणि त्याला बोगस म्हणतो। पण असं बियाणं, बोगस बियाणं महामंडळामध्ये कुठेही कलक केल्या जात नाही आहे, आणि जर असे जर प्रकार घडले तरी आम्ही त्यांचं हे करून त्याच्यावर आम्ही फौजदारी कारवाई करू शकतो आम्ही आणि करतोय। बीजों की पैकेजिंग डेट 8 जनवरी 2013 है और एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2013 है। किसानों ने सवाल उठाया है कि सिर्फ 5 महीने पैक किए गए बीज में कीड़े कैसे पड़ गए। प्रवीण सपकाल, सोलापुर, IBN 7।